नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। इमरान खान को पाकिस्तान का सबसे शाना भिखारी माना जाता है। उन्होंने अपने पौने चार साल का शासनकाल भीख के दम पर ही पूरा किया है, पर अब लगता यूं है कि इमरान खान का साया पूरे मदरसा मुल्क पर पड़ गया है। पाकिस्तान की एक गैर सरकारी संस्था के मुताबिक पिछले चार सालों में देश में भिखारियों की संख्या में 27.2% की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद पूरे मदरसा मुल्क में इनकी तादाद 40,32,600 के करीब पहुंच गई है। इसका मतलब यह है कि 23 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान में भीख से गुजारा करने की प्रवृत्ति अभूतपूर्व तरीके से बढ़ रही है। संस्था के मुताबिक पाकिस्तान की बदहाल अर्थव्यवस्था और सरकार द्वारा रोजगार देने में नाकामी इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। कोरोना महामारी में 2,00,000 जाहिलों ने अपनी नौकरी गंवाई है और उनके लिए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हुए हैं। इसी वजह से इनमें से ज्यादातर लोग भीख मांगने के पेशे में उतर गए हैं। खास बात यह है कि भिखारी के धंधे में शामिल महिलाओं की तादाद 48% से भी ज्यादा है, जबकि 18% बच्चे और 6% किन्नर और बाकी पुरुषों की संख्या है, जिनमें विकलांग और बुजुर्ग व्यक्ति भी शामिल है। ये उस पाकिस्तान के हालात हैं जिसके पास भारत से ज्यादा परमाणु बम हैं और इसी परमाणु बम के नाम पर यह तैमंद उछालकर गधैया नृत्य करता है। पर जिस तरह से यहाँ भिखारियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, वह इस मुल्क के हालातों को बयान करता है। इस संस्था ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। रिपोर्ट के अनुसार इन भिखारियों में 14% भिखारी इंटरनेशनल स्तर के हैं, यानी वे पाकिस्तान में भीख मांगने के अलावा विदेशों में भी भीख के लिए यात्राएं करते हैं। पाकिस्तान की ये जाहिल और निकम्मी पैदाइश खाड़ी देशों और तुर्की तक में भीख मांगने के लिए जाती है। मजे की बात यह है कि इन भिखारियों से भी पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार को फायदा होता है। साल 2020-21 में इन इंटरनेशनल भिखारियों ने करीब $3,00,000 रेमिटेंस भेजा है। साल 2021-22 में यह $4,36,000 पर पहुंच गया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने यह कानून भी बनाया हुआ है कि कोई भी नागरिक विदेश से कितनी भी विदेशी मुद्रा देश में ला सकता है, उसे इसमें पूरी छूट दी जाएगी, जिसका फायदा इन भिखारियों को भी मिल रहा है और सरकारी खजाने का जुखाम भी हल्का पड़ जाता है। पाकिस्तानी भिखारियों को मिलने वाली भीख में सबसे बड़ा योगदान सऊदी अरब, कतर और ओमान का है। इन देशों में 3.5% भिखारी सबसे ज्यादा जाते हैं। आम तौर पर रमजान के महीने में पाकिस्तानी सरकार बड़ी तादाद में इन देशों की ओर भिखारियों को रवाना करती है। एक महीने की इस अवधि में पाकिस्तानियों को 5 से 6 लाख पाकिस्तानी रुपए की भीख मिल जाती है। पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट में विश्व बैंक ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमजोरी उजागर करके भिखारियों के बीच कंपटीशन की आशंका तेज कर दी है। उसके मुताबिक कुछ घरेलू दबाव और बढ़ती वैश्विक वस्तु की कीमतों से देश में मुद्रा स्फीति यानी महंगाई दर 2 अंकों में रहेगी। इसका मतलब यह है कि निकट भविष्य में पाकिस्तान के विकास की गति तेज होने की उम्मीद नहीं है। इससे आयात बिल में तेज उछाल से पाकिस्तानी रुपया $220 पर जा सकता है, जिससे मदरसा मुल्क में भिखारियों की तादाद साल 2024 तक 50,00,000 से भी ऊपर जाने का अनुमान है। खास बात यह है कि पाकिस्तान में 26% वयस्क की आर्थिक रूप से साक्षर हैं, लेकिन सरकार के पास इनके लिए भी रोजगार नहीं है। ऐसे में हालात तैमंद फाड़ने वाले बनने का अंदेशा भी बन रहा है, क्योंकि आंकड़े साबित करते हैं कि विदेश में जाकर भीख मांगने वाले भिखारियों में ज्यादातर पढ़ा लिखा तबका है। इनमें ऐसे युवा भी शामिल हैं जिनके पास इंजीनियरिंग और MBBS की डिग्री तक मौजूद है। यानी जब इमरान जैसा नेता खुद को भिखारी कहने पर फक्र महसूस करता है, तो डॉक्टर इंजीनियर की क्या बिसात है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।